आज की इस वीडियो में आपको कुछ एफर्ट्स एंड उनके रीजंस भी दिखाऊंगा कि लॉकडाउन नहीं कर सकते तो एटलीस्ट ऐसे इनोवेटिव स्टेप्स तो आने ही पड़ेंगे, लाइक डिप्लॉइंग मार्शल्स। ये चर्च स्ट्रीट में इतना क्राउड देख के आपको आइडिया लग ही गया होगा कि यहाँ पे ऐसे स्टेप्स की क्यों जरूरत है। एंड ये देखिए कितनी लापरवाही भी बढ़ती जा रही है यहाँ पे NGOs एंड ऑर्गेनाइजेशंस प्लस पब्लिक एंड मार्शल्स की हेल्प से अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे थे नॉट टू स्प्रेड कोरोना बाय वेयरिंग मास्क एंड नॉट टू स्पिट, बिकॉज इंडिया में थूकने की हैबिट बहुत ही ज़्यादा लोगों की है, जो कहीं भी लोड चलते फिरते लोग स्पिट कर देते हैं पब्लिक प्लेसेस पे। सो गाइस, मैं मार्च के लास्ट के दो वीक्स में बैंगलोर गया था टू शिफ्ट फ्लैट। तब तक ना होली हुई थी और ना ही कोरोना के इतने केसेस न्यूज़ में आ रहे थे, बट सब लोग अलर्ट एंड अवेयरनेस स्प्रेड करते हुए ज़रूर दिख रहे थे। सो लेट्स स्टार्ट एंड मैं आपको दिखाता रहूँगा कि इस तरीके का एनवायरनमेंट था मार्च एंड में। भाई हम लोग पहुँच गए चर्च स्ट्रीट। रोड्स वीकेंड पे इतनी खाली होती नहीं है जितनी यहाँ पे आपको दिख रही हैं। बाकी अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए काफ़ी सारी वीडियोस, मैसेजेस एंड पिक्चर्स शूट किए मैंने, जो कि इन ऑर्गेनाइजेशंस की स्प्रेड से स्प्रेड भी हो रहे, प्लस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी हेल्प कर रहे थे इन चीज़ों में। तो भाई यहाँ पे एक इवेंट चल रहा है जहाँ पे बेसिकली अवेयरनेस स्प्रेड करी जा रही है टू स्प्रेड द मैसेज, लेट्स टेक द प्लेज। बाकी जितना पॉसिबल हो सकता था हम लोग मास्क एंड सैनिटाइजर्स प्लस डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे थे। सो बेसिकली कई लोगों को गलत फहमी है कि बाइक्स एंड कार्स में आपको लॉजिकली मास्क नहीं लगाना चाहिए, बट फॉरगेट फर्जी ना लगाने के फर्जी लॉजिक। जब हालत इतनी बुरी हो गई है आजकल एंड अगर अब भी फॉलो नहीं किया इन गाइडलाइंस को तो सीधा फाइन ही एक सोल्यूशन है। बस जैसे कि मैंने बताया, इंडिया में जो टोबैको एंड ऑल यूज़ करते हैं एंड जो नहीं भी करते, सबकी बहुत गलत हैबिट है पब्लिक प्लेस में थूकने की अपने सहूलियत अनुसार। तो आज इस मैसेज को इसी तरीके से जो लोग टहल रहे थे और जो गाड़ियों से जा रहे थे उनको स्प्रेड किया जा रहा था, प्लस 1000 रुपीज़ का फ़ाइन है ये भी बताया जा रहा था। बाकी भाई गलतियाँ सबसे हो जाती हैं, हमसे भी जाती हैं, बट उसमें बहसबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, गाइडलाइंस फॉलो कर लेनी चाहिए अगर कोई बोल रहा है तो। राइट, मिस्टर एंड ह्यूज थैंक्स टू मार्शल्स ऑर्गेनाइजेशंस एंड NGOs, बिकॉज उनके बिना आई एम डाउटफुल कि कोई भी अपनी जान रिस्क में डालेगा टू स्प्रेड मैसेज। बट हाँ, अंदर चल के चर्च स्ट्रीट में ये भी रियलाइज़ हुआ कि यूट्यूबर्स एंड इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स प्रोटोकॉल का पालन नहीं भी कर रहे थे कई सारे। आपको पिक्स लेनी है, ठीक है यार, जल्दी से मास्क निकाल के ले लो। वीडियो बनानी है, कोई बात नहीं, 2 मिनट के लिए चलो कहीं कॉर्नर पे जाके भीड़ से दूर होके मास्क हटा के जल्दी से वीडियो बना लो। बट जब आप इंटरव्यूज़ ले रहे हो तो 10 लोगों के कॉन्टैक्ट में आओगे एंड कितना बड़ा रिस्क होता है, शायद उनसे आपको हो गया हो या आपसे उनको हो जाए। इसी तरीके से एक और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर लोगों की भीड़ में बिना मास्क के दिख रही थी, कई बार इधर उधर भटकते हुए, कई बार होटल में जाते हुए, मतलब क्या है यार ये। खैर, 2 चक्कर काट के हम लोगों को वन प्लस के स्टोर में जाना था क्योंकि मुझे वो वॉच देखनी थी, जो कि वहाँ जाके पता चला कि वो अवेलेबल नहीं है अभी भी। सो गाइस, इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं एक छोटे से मैसेज के साथ कि जितना हो सके बाहर निकलना अवॉइड करें एंड सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करें। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना एंड अगर नहीं भी पसंद आए तो कमेंट करके बताना जरूर कि क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। एंड अगेन, किसी से गलती हो गई हो तो उनको सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन देना जरूरी है उनको, प्लीज़ इसका भी ध्यान देना कि किसी को कुछ बुरा ना लगने पाए, ना ही किसी को कुछ लॉस हो किसी भी तरीके का। सो थैंक यू, सी यू अगेन गाइस, बाय।